देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत की गई है। जिन्हें पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, उन्हें घर तक पानी का जो है पानी की उपलब्धता कराई जा सकेगी। वहीं डिंडौरी जिले में ग्राम केवलार दर में ग्रामीणों को नल जल योजना की पानी अभी तक नहीं मिली है। जहाँ एक साल पहले नल जल योजना के तहत केवलार दर ग्राम पंचायत में लगभग 5 लाख रुपए सचिव सरपंच द्वारा अपने चहेते ठेकेदार को दे दिए गए, लेकिन ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज है। ठेकेदार ने केवल पाइपलाइन डालकर छोड़ दी है। ऐसे में ग्रामीणों को पानी के लिए जो है पीने का पानी सपने जैसा लगता है। वहीं अधिकारी भी इस योजना को लेकर तत्परता नहीं दिखा रहे। अभी तो ऐसे कोई गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोटर नहीं डाली। पैसा ठेकेदार के खाते में डाले कितने समय हो गया? साल भर के हो गया और अभी तक मोटर नहीं डाला है। पैसा दे दिया गया? दे दिया। कितना पैसा दिया ठेकेदार? 5 लाख। 5 लाख। कितने घरों में कनेक्शन किया गया? घर तो लगभग 30-32 हो गया। तो कनेक्शन नहीं बंद है, पानी तो नहीं है, तो कहाँ कनेक्शन? क्यों नहीं है पानी? तो मोटर ही चालू नहीं है तो बंद नहीं तो रही गई ना। कितने लाख की लागत से काम हुआ है अंदाज? 4 लाख बोल रहे थे उसमें। और मोटर वोटर जब से नहीं आया? नहीं डाले। मोटर वोटर सब लाए थे लेकिन ये लाइट का प्रॉब्लम, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अंतर्गत ग्राम पंचायत केवलार दर की बात जो आपके माध्यम से मेरे को अभी जानकारी लगी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4-5 लाख रुपए जो आहरण किया गया है, मैं अभी आपके सामने अभी बात करता हूँ मैं सीओ साहब से और उनसे जानकारी लेता हूँ। अगर उन्होंने राशि आहरण किया होगा, ये सत्य पाया जाता है तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होगी।